धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अच्छा आंटी जी, अरे पुत्र आंटी क्यों बोल रही है? हाँ मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, मुझे देवयानी नानी कह के बुला सकती हो। ठीक है, आप ना मुझे इस काढ़े की रेसिपी जरूर बता दीजिएगा। अरे रेसिपी क्या, ये तो करामाती नुस्खा है, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। नानी जी हाँ चलिए। ये है आपका कमरा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ पुत्र जरूर बता दूंगी। अरे ये कंगन तो बहुत ही सोने हैं। कितने के होंगे? नानी ये तो शिवाय ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो मुझे नहीं पता कितने के हैं। चल चल मैं ना अभी आपके लिए चाय भिजवा दूँ, ठीक है? हाय रब्बा, दूसरों के कमरों में ताक झांक करना भी तुम्हारे काम में आता है क्या? मैं आपसे पूछने आया था, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो झोल है, पता लगवा करो। रूडी रूडी रू रूडी अरे यार ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? एकदम मीका लग रहा है, उतारो इसे। यार रुक चश्मा, इसे वापस दो। क्या हुआ रूडी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आंखों में बहुत पेन हो रहा है यार, इतना पेन हो रहा है कि मैं सपने में नहीं देख पा रहा हूँ। ऊपर से लाइट लाइट पड़ रही है ना, बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे। पर क्यों? मुझे क्या पता क्यों। एक काम करो, भीगा हुआ कॉटन लिखाओ मेरे लिए। और फोन यूज कीजिए आप, कभी मोबाइल कभी टीवी कभी लैपटॉप, पक्का ना आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हुआ होगा। और हमारी बात, मैंने तुमसे भीगा हुआ कॉटन मांगा, लेक्चर नहीं मांगा। तो आंखों में दर्द हो रहा है, सर में और दर्द दे रही है मेरे को। अच्छा, प्लीज भीगा हुआ कॉटन ले आओ। अच्छा सॉरी सॉरी हम लेकर आते हैं, आप रुकिए हम लेकर आते हैं। प्लीज रुकिए। अच्छा वो मेरा हेलो, मेरा गॉगल दे दो। हेलो हां हां क्या बात है नानी जी, का खुशबू आ रही है। अरे वो खुशबू तो लौंग की आ रही है, मैंने इसमें लौंग डाली हुई है, डालने से ना खुशबू भी अच्छी आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। आपको एक बात बताऊं, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ हाँ लो किशमिश लो। हाँ जी ये लीजिए, डाल दो। हाँ डालो ना। अरे वाह डाल दो। हाँ हाँ और थोड़ा सा अखरोट ये लीजिए। हाँ चलो बस चलिए, भी हर हर एक बार लेके नहीं होता भाई। चलो 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 अरे वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाए? इसे बनाया तो नानी ने, लेकिन हमने सिर्फ बनाना सीखा। अरे तो हमें भी बुला लेते ना, हम भी सीख लेते। तू होती क्या है हमारे साथ वैसे भी आजकल? अच्छा सुन गौरी, मैं सोच रही थी इसके साथ आम की चटनी बना लेते। आपने हमारे दिल की बात कह दी, चलिए हर हर एक बनाते। हम तो हमेशा आप लोगों के साथ ही होते हैं भाभी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने बिजी रहते हैं कि हमें देखते ही नहीं। क्या हुआ भव्या?
कुछ नहीं, वो हम ठंडा पानी लेने आए थे। ठंडा पानी? हाँ। इसमें क्यों? अरे वो रुद्र की आंखों में जलन हो रही है। रुद्र की आंखों में जलन हो रही है? अब देखिए ना, रात रात भर मोबाइल, वीडियो गेम्स, लैपटॉप से चिपके रहेंगे तो आंखों पर तो असर पड़ेगा ही। लैपटॉप? हाँ, अरे लैपटॉप, टैबलेट, प्लेस्टेशन और पता नहीं कितने तरह तरह के गैजेट्स भर रखे उन्होंने हमारे कमरे में। हाय रुपा, इतना कुछ? अच्छा तू एक काम कर, ये मुझे दे, मैं लेके जाती हूँ रुद्र के पास। मैं उसे दे भी दूंगी और अच्छी तरह से समझा भी दूंगी। पक्का? देख यार। घर में बड़ों का होना कितना जरूरी है ना। जब दादी नहीं थी तो घर काटने को दौड़ता था, अब देखो नानी भी आ गई है, रौनक ही हो गई है घर में। बहुत दर्द हो रहा है यार। और भगवान मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद मैंने कभी किसी पराई लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रुद्र। अरे नानी आप। अरे बैठो बैठो। हाँ? बैठो बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए ना ठंडा पानी और रुई लेकर आई। अरे आपने क्या तकलीफ ली? अरे बेटा, अगर बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ को तो वैसे ही तकलीफ हो जाती है ना, है ना पुत्र? भव्या कह रही थी कि तू रात रात भर जागता रहता है। ये बात, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ रात को, फिर मुझे नींद नहीं आती थोड़े टाइम के बाद। आज आ जाएगी। थैंक्स। ऐसे लगा के रखना, हाँ आराम मिलेगा, ठीक है? ओके मैम। आपको याद है हुआ था अपना पड़ोसी, उसकी जब शादी थी हमने क्या डांस किया था ना? मुझे नाम नहीं याद, पर मुझे ये याद है कि मैंने पहली बार ना कॉफी मशीन वहाँ देखी थी। 11 कप कॉफी के घटक गई थी मैं। शैतान चुनैया पहले से थी। अच्छा तू कम शैतान थी क्या? हाँ? अरे कागज के जो नोट तुमने उड़ाए थे ऐसे नाचते हुए। तो ठीक है ना, आपने भी तो स्टेज पे डांस किया था। अच्छा लेकिन तुझे सब कुछ मेरा याद है, गुलाब जामुन के साथ चटनी जो खाई थी तूने, ऐसे पटर पटर। ये दोनों बहनें हैं क्या? अब जी। तो तू गौरी और अनिका से इतना दूर दूर क्यों रहती? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल दोनों बहुत सालों के बाद मिले हैं तो इसलिए बस हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। और तू खुद अकेली पड़ जाती है। चल चल मेरे नाल। चल अनिका। हाँ गौरी। हाँ ये भव्या तुम दोनों से कुछ कहना चाहती है। हाँ बोल ना फिर, हमें कुछ नहीं कहना। तुझे नहीं कहना ना तो मैं कहती हूँ। नहीं नानी जी प्लीज। अरे चुप। भव्या को लगता है कि वो अकेली पड़ गई है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हो और एक दूसरे से बातें करते रहते हो। तुझे सच में ऐसा लगता है? आप दोनों को खुश देख के हम भी बहुत खुश हैं, सच में हम बहुत खुश हैं आपकी खुशी में। बस पता नहीं क्यों अब ना, अब चाह के भी हम आप दोनों के पास आके नहीं बैठ पाते, इस डर से कि कहीं आप को ये ना लगे कि हम जीत हो रहे हैं। एक झांप में दीवार से सटा देंगे जो दोबारा ऐसी बात की। कान खोल के बात सुन, तू हमारी देवरानी नहीं है, तू हमारी बहन है। हाँ पखले, हमारी है जीजी की, किसी भी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफ कर दूँ। और तू ना कभी ऐसा सोचना नहीं मत कि गौरी मेरी बहन है तो वो मुझे तुझसे ज्यादा प्यारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों
मेरे लिए एक हो। हाँ तुझे पता है बचपन में हमें और जीजी को एक छोटी चिड़ैया चाहिए थी। अच्छा उसका नाम भी हमने सोचा था। हाँ। हमें क्या रखना था? गुड़िया। क्यूट नाम है। शंकर जी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमें चिड़ैया दे दी। थैंक यू भाभी। पागल मारते इसको। सत के जावा, जिस घर में बहुएं बहनों की तरह रहती है ना, उस घर में सिर्फ खुशहाली नहीं बरकत भी होती है। चलो चलो, इसी बात पे हम लोग सब मुंह मीठा करते हैं गुड़ वाले चावल के साथ। इसे सिखाने पड़ेंगे अभी। लग गया। चलो चलो चलो, चलो, चलो। आजा।